वो आगे से गाड़ी है। ओहो भाई, ओ भाई ये तो कुछ चीजें फेंक रहा है। ओहो हो, ये चीजें फेंक रहा है ताकि हम भाग ना पाए। ओ भाई क्या सीन है। हेलीकॉप्टर खत्म। तो 9 साल से जो है हमारा कैरेक्टर जो है वो कोमा में था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीजर अटैक आया है, यहाँ पर कोई ड्रग लिया गया है ताकि एक हफ्ते बाद फिर से डॉक्टर आ गया। ये हमारा इलाज चल रहा है यहाँ पर। तो 9 साल पहले क्या हुआ था, अभी डॉक्टर हमें जो है वो कहानी बताएगा। We discovered 108 foreign bodies embedded within. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. ये है सर का एक्सरे। क्या हुआ था तो MRI भी डॉक्टर नहीं कर पाया। यहाँ तो हाथ ही नहीं है। घबरा गया हमारा कैरेक्टर ये देख कर कि इसका हाथ ही नहीं है।
दो हफ्ते बाद उठने के, देखते हैं क्या हालत है अब। फिर से उतरी हूँ मैं, दो हफ्ते बाद भी फिर से आ गया डॉक्टर। अच्छा, अब हमें अपना बेस बदलना है, क्योंकि कोई जो है हमें मारना चाहता है। तो यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है कि मैं अपना जो है बेस बदलना पड़ेगा। यह है जी हमारी शक्ल, हमें अपनी जो शक्ल है वो बदलनी है। तो चलो भाई, यहाँ पर हम अपना बेस बदलते हैं। ये कुछ सही लग रहा है इसी के हिसाब से, कि थोड़ी बहुत इसी की शक्ल रहनी चाहिए। और भाई बाकी ठीक है, हमें क्या करना है, टाइम अपना ज़ाया इसका ये करके। बहुत सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं, इस तरह से हेयर स्टाइल वगैरह है। हेयर स्टाइल तो ठीक है, और थोड़ी दाढ़ी बढ़ा देते हैं, बाकी सही है भाई। स्किन कलर देख लेते हैं, ये थोड़ा जो ज़्यादा सफ़ेद नहीं रखते, इतना ठीक है भाई। ये भी ठीक है, ओके कर देते हैं। खामखा इसमें टाइम ज़ाया होगा। तो आप देख सकते हैं बेस यहाँ पर हमने थोड़ा वो बदल दिया है। तो हमारे चेहरे का ये To tell you the truth, these bandages were more for your protection, to hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. ये कौन आ गया? अरे भाई कोई मार रहा है यार। अरे पीछे देख भाई, भाई कोई मारने आया है। और डॉक्टर को यहाँ पर पता ही नहीं है कि पीछे से यहाँ पर एक का काम तमाम कर दिया है। और डॉक्टर यहाँ पर हमें कुछ दिखा रहा है, ये हमारे पुराने साथी है, 9 साल पहले का दिखा रहा है। ये कौन है भाई? तुम्हारा भाई डॉक्टर भी गया। और ये कोई औरत है जो इसको मार रही है। ही गिरा दिया भाई। डॉक्टर तो गया, तो हमारी बारी। ये कौन है भाई? तो कोई लड़की है, समझ नहीं आ रहा है भाई क्यों मार रही है। 9 साल पहले बहुत कुछ हुआ है, तो जिनने पहले इसके पार्ट खेले उनको तो पूरा समझ आएगा। वैसे मैंने भी खेले, मगर मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता। ये कौन है भाई? ये कहाँ से आ पड़ा?
हो ये तो गया। कुछ गाने बज रहे हैं और नहीं, अरे भाई ये तो जल गई। लगता है जो बॉटल इसने फेंकी थी इस आदमी ने अभी कुछ टाइम पहले, ये जो बैंडेज लगा कर है चेहरे पर, शायद उसकी वजह से उसमें कोई केमिकल था जिसकी वजह से ये जल गई है। और फिर से कोई बॉटल इसने उठाई है और देख के उससे और भी आग जो है वो भड़क गई है और ये लड़की है जल गई है और उसका काम जो है वो तमाम हो गया है। अब सवाल ये है कि ये कौन है? ओ भाई हमारे पास तो हाथ ही नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया था इसे पहले दिखाया गया था, और ये नकली बाजू लगी हुई है। इसका नाम इस्माइल है। तो भाई ये क्या हो गया? लगता है अस्पताल में जो है वो हमला हो गया है। इतना बड़ा धमाका जो है वो कैसे हो सकता है? या तो उस लड़की की वजह से कुछ नीचे चल गया है और यहाँ पर कोई ड्रग इसने हमें दिया है ताकि हम जल्दी से खड़ा हो पाए। भाई हम तो चल भी नहीं रहे, तो किस तरह से ये चलेगा अब ये देखना है। अरे भाई ये तो रेंग रहा है, रेंगते रेंगते जो है हमें अस्पताल से बाहर निकलना होगा। हमारा कैरेक्टर यहाँ पर सीधे तरीके से बैठ भी नहीं पा रहा है। हम अस्पताल से कैसे बचते हैं? ओ भाई ये तो रेंग रहा है, भाई पेट भी नहीं पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। कुछ दवाई भी दी थी हमें और कहा था कि इसका असर होगा, और अभी तक दवा का असर नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी रेंगना पड़ रहा है।
भाई ये कौन है, ये तो कोई बच्चा है। और ये तो उड़ रहा है भाई, ये क्या चीज़ है। और लिफ्ट में कोई आ भी रहा है हमारी तरफ, ये क्या चीज़ है। धमाका हो गया, ये क्या था भाई। भाई ये भी जल गया। भाई ये क्या है, कोई आग में चल रहा है, ये क्या चीज है। भाई ये तो कोई पता नहीं क्या मखलूक लग रही है। भाई ये क्या बुरा है, ये क्या चीज है। ये तो पानी है और पानी की वजह से शायद वो भाग गया, अगर वो क्या था। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या था। ये वो भाई ये खड़ा होने वाला है और नहीं हो पा रहा है खड़ा। ये छुप क्यों रहा है यार, और वो आदमी कौन था अभी जो पता नहीं क्या मखलूक थी वो। अरे यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी सर्च कर रहा है, अगर इससे भी ये छुप रहा है। उसकी जो थी वो डिसलोकेट हो गई थी। भाई ये क्या चीज़ है। ओ भाई कमांड होता रहे भाई बिल्डिंग में, और मुझे लगता है ये अब जो है बाहर नहीं जाने देंगे इस हॉस्पिटल से, अब तो ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर किसी ने जो है वो स्मोक वगैरह फेंका है, और यहाँ पर देखिए सोल्जर आ गए हैं। और आप कैसे बचे फिलहाल, इनको शायद नहीं दिख रहे हैं हम। नीचे झुक कर चलो, क्या है ये तो वार्ड है। ये कौन है। अच्छा अब हम चल रहे हैं। वो भाई सोल्जर आ गया, ये तो मरीजों को भी मार रहे हैं। यहाँ पर फिर से इस्माइल ने हमें बचाया है। और ये लोग तो मरीजों को भी मार रहे हैं, तो किसी को नहीं बख्श रहे हैं।
और आखिर लोगों को क्यों मार रहे हैं, और इसका हमारी स्टोरी के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है, ये आगे चलकर ही हमें पता चलेगा। शायद अब हमें ढूंढ रहा है, और भाई ये तो इधर ही देख रहा है शायद। भाई ये अंधा है क्या, इसको तो हम सामने भी नहीं दिखे, हम तो इसके सामने थे कि इसको देख रहा था। चला गया, फिलहाल तो हम बच गए। ओ भाई किसी ने पकड़ लिया, शायद पकड़ लिया हमको। ओ भाई इसने पकड़ लिया, जो पहले हमें मैं पकड़ लिया, फंस गए। इसको हम क्यों नहीं दिखे, ये लोगों को भी मार रहे हैं, पता नहीं कौन है ये। अब हम गए, अरे तो आया ही नहीं था। वो भाई क्या बेवकूफ़ है ये, अगर उसका हाथ यहाँ पर था वो बात भी कर रहा था, इसको नहीं पता है कि हम बेड के नीचे हैं। क्या दिखाते हैं यार, शायद बचाने के लिए आ गया कोई। भाई मेरे को लाइट, तो भाई ये भी तो मार रहे हैं। अरे भाई ये भी तो मरीजों को भी नहीं बख्श रहे हैं। लाइट्स में नहीं आना है, भाई कोई और बला आ गई पीछे से। ये कौन है, वो ये तो यार यहाँ भी पहुँच गए। कह रहा है भागो, मगर आखिर ये क्यों मार रहे हैं पेशेंट्स को, तमाम लोगों को इन्हें मारा। अगर हमें, अगर इनको हम हमको मारना है तो इतना इनने क्यों मचाई तबाही, ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा जब हम आगे चलेंगे इस स्टोरी में। और यहाँ पर ये दरवाज़ा काट रहे हैं, पकड़ लिया यार सोल्जर ने, उसको मार दिया, वो ऊपर गया था देखो, उसको मार दिया ये लोग। नीचे जा रहे हैं हम, पता नहीं वहाँ से क्या होगा। चेक कर रहे बाप, जाओ यहाँ से, ज़्यादा मिनट लिए। हाँ यार यहाँ से तो ज़्यादा सोल्जर है, यहाँ पर लोग भी काफ़ी जमा है। क्या हो रहा है इधर भाई, क्या तमाशा लगा रखा है।
देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है वो भैया? ये तो यहाँ भी आ गए, फायर कर रहे भाई, तो सबको मार दिया। अब कहाँ भागे? अच्छा यहाँ से भी आ गए, बचा लिया। क्या टाइमिंग है, इस तरह से बचा लिया इसने। अच्छा अब हमें फिर से किसी कमरे में जाना होगा। भाई ये तो यहाँ भी आ गए, ऊपर से मैं इधर हूँ। यहाँ से यार निकलता हूँ। भाई वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो पकड़ लेंगे ये। भैया तो यहाँ भी तबाही मचा रहे हैं, अगर ने हमें देख लिया तो ख़त्म। यहाँ आ गया, बेड के नीचे मत नहीं देख रहे हैं। साथी है वो कहाँ गया? ये तो यही आ रहे हैं जहाँ मैं हूँ। क्या होगा, शायद मैं फंस गया है अभी। मैं इसको मारा, एक और पेशेंट को। स्माइल और ये सोल्जर, अब ये कहाँ जाएगा भाई? शायद निकल गए, शायद बच गए। मैं भी चलता हूँ यार। शायद ये फिर से आएंगे। इसको क्या रहा है, फिर से जाओ, फिर से देखो। तो ये भी ये कह रहा है यहाँ से निकलो। मैं तब से क्रॉल ही कर रहा हूँ। नीचे झुक कर चलो। अच्छा ये कह रहा है हिलना भी नहीं, और हिले तो ख़त्म। इधर भी आ गए, यहाँ पर ने पहले ही तबाही मचा रखी है। देखते हैं क्या होगा इसके बाद। ये तो लाशों को भी नहीं बखच रहे हैं, ये तो मरोहों को भी मार रहे हैं। यहाँ पर इसने क्या उठाया? ये भाई पीछे से भी आ गए, फंस गए, ऊपर से शूट कर रहे हैं फिर से।
शायद ने देख लिया हमको। ओ भाई इसको क्या हो गया? शायद इसने घबराहट से पेशाब कर दिया, फंस गए अब। मगर नहीं, ये तो बैग है। ओ फंस गए। हाँ इन्हें पकड़ लिया भाई। ये कौन है भाई? तो ये क्या बला है? भाई भी हो गया, ये बच्चा इससे पहले भी आया था ना, और ये आग वाला आदमी फिर से आ गए। और समझ नहीं आ रहा ये मारना चाह रहा है या बचाना चाह रहा है। भाई ये तो इनको भी मार रहा है, मुझे पहले लगा ये इन्हीं का आदमी है, पर ये तो इनको भी मार रहा है। ये बच्चा कौन है और ये कौन है ये आग वाला आदमी, ये भी जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। भाई इसको तो गोलियों से भी कुछ नहीं हो रहा है, मैंने तो शायद आरपीजी भी इसको मारा, मगर इसका बाल भी बांका नहीं हो रहा है। ओ खत्म, तो वापस फायर करता है। भाई हमारी टांग भी टूट गई। वही हेलीकॉप्टर से तो मार रहे हैं। देखो ये सोल्जर को मार रहा है, जनता अब ये नहीं बचेगा। मिसाइल खत्म, क्या हो गया इसका खेल खत्म। ओ इसको तो भाई मिसाइलों से भी कुछ नहीं हुआ। ओ खत्म जहाज। भाई समझ नहीं आ रहा ये हमारे साइड है या किन के साइड है, मगर मुझे लगता है मगर ये क्यों फिर भागते अगर ये हमारे साइड होता। तो इसे को कुछ नहीं होगा भाई गोलियों से। आप क्या करें, ये पानी का पाइप है, शायद पानी के पाइप को ही मारेगा। ये लो भाई पानी आया और आग खत्म। तो पानी ही इसका इलाज है और ये हमारे खिलाफ है, क्यों है ये आगे चलकर हमें पता चलेगा। और यहाँ पर हम फिर से बालवा बच गए, और यहाँ पर अपनी इंजरीज हम खुद भी ठीक कर सकते हैं अब इस गेम में। इसके बाद तो यहाँ मैं सबटाइटल इसके ऑन कर देता हूँ। अगर सबटाइटल ऑन कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी समझने में, मुझे भी होती है। अब कहाँ से निकलना है भाई? तो यहाँ से अब इसके पास जो है वो गन भी आ गया है इस्माइल के पास, तो थोड़ी राहत यहाँ पर मिल गई है। और सोल्जरों की भी अच्छी खासी दवाई की है उस आग वाले आदमी ने, पता नहीं वो फिर से आएगा या नहीं आएगा। अब हम नीचे जा रहे हैं और नीचे से ही कहीं निकलने का रास्ता होगा।
कवर लेना पड़ेगा थोड़ा। भाई इसने तो खत्म कर दिया उसको। और यहाँ पर इसी बहाने से हमको भी थोड़ा बहुत जो है वो वेपन मिल गया है, तो थोड़ा जो है वो टक्कर लगेगी और थोड़ा खेलना जो है वो आसान हो जाएगा। तो भाई वो शायद फिर से आ गया। अरे आग लग गई जगह वो फिर से आ गया। अब हमें इसको मारना पड़ेगा एक्सटिंग्विशर को पहले। गिरा दिया है। वैसे मैं वो गन भी उठा सकता था इस सोल्जर का भी, मगर जैसा साइलेंसर इसमें लगाकर है तो यही बेहतर रहेगा ताकि ज़्यादा आवाज़ ना हो। अब देखते हैं अब हम कहाँ पहुँच गए। शायद निकलने का रास्ता जो है वो यही होगा कि इसके बाद कोई सीढ़ी नहीं है। मगर यहाँ पर तो इससे भी ज़्यादा सोल्जर है आप देख सकते हैं, तो यहाँ से निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। इनको डिस्टर्ब करेगा। इसने अपना ये फेंक दिया। सोल्जर का जान पटकाया और भाई ये तो मास्टर है। मैं क्या करूं भाई। नहीं अच्छा किया मैं भागा। अब क्या होगा, लगता है हम निकलने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है इनके साथ फाइट करना, ये बहुत है। यहाँ पर शायद मैं टैंक अब लाइए।
ये यार ये बच्चा फिर से आ गया, ये क्या बना है? उसके साथ वो भी आएगा आग वाला इंसान भी। भाई से तो रास्ता ही बंद कर दिया बाहर निकलने का अस्पताल से, अब क्या करें? आ गया फिर से वो आग मानव। भाई साहब कोई आवाज है ही नहीं, ऊपर से रास्ता भी बंद है। मैं तो मौका देख कर भागूंगा, चलो खत्म कर देंगे। भाई इसको गोलियों से कुछ नहीं होगा, देख लिया भाई अब क्या करें? चलो भागते हैं, और भागे कहाँ से? ड्राइव से टैंक का भी शायद, और मैं बच गया क्योंकि रास्ता मिल गया आज बाहर निकलने का इसी बहाने। वहाँ से ही अब इसके साथ लड़ेंगे और मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, मगर ये निकलने देंगे? ये तो इतने हैं, मेरे ये उनका काम खुद ही तमाम कर देगा। मगर ये बच्चा कौन है यार, और ये क्या चक्कर है ये समझ नहीं आ रहा। जहाज कैसे चल गया? भाई ये कुछ सुपर नेचुरल पावर है इसके पास, और वो जो बच्चा इसके साथ आता है वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो कुछ गाय भी होता है और ये बच्चा है। आ गई टैंक, वहाँ से रास्ता निकल गया बाहर निकलने का, लगता है टैंक इसको ख़त्म कर। और भाई इसको तो टैंक से भी कुछ नहीं हुआ, और उल्टा इसने टैंक को ही ख़त्म कर दिया। और टैंक अभी भी टिकी हुई है, तो देखते हैं क्या होगा। ओहो ख़त्म हो गया, हो गया भाई। मैं तो चला लोग देखो भाई आपस में क्या करना है, मैं तो निकला, टैंक भी खत्म और हम भी। अब क्या हुआ? और भाई निकलेंगे कभी हम इस अस्पताल से? या लगता है वो दोनों खत्म हो गए, टैंक भी और वो भी। और वो तो भाई अभी भी जिंदा है, वो तो देख रहा है मुझे। और इसे क्या होगा इस गन से? वही
शायद हमारा दोस्त है एम्बुलेंस में। मगर यार वो कहाँ जाने देगा, उसको तो टैंक से कुछ नहीं हुआ तो ये एम्बुलेंस उसको क्या करेगी। वो भाई उड़ गया वो से। फायर सर्विस की गाड़ी आ गई। इसे फायर सर्विस की गाड़ी को ही खत्म कर दिया। लगता है हम बच गए, पर ये कहाँ जाने देगा भाई। ओ आगे से गाड़ी है। ओहो हो हो, अरे भाई, ओ भाई ये तो कुछ चीजें फेंक रहा है। ओहो हो, ये चीजें फेंक रहा है ताकि हम भाग ना पाए। ओ भाई क्या सीन है। हेलीकॉप्टर खत्म। वो भाई हमारा ड्राइवर ही बेहोश हो गया, अब क्या करें। हेलीकॉप्टर भी आ गया। टनल आ गई, लगता है बच जाएंगे टनल से। हाँ भाई टनल ने मदद की बचने में। आगे से ये नाका है, क्या होगा एक्सीडेंट। ओके ओके ओके, वो भाई कहाँ गए हम। खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, अब मुझे लगता है अब नहीं बच पाएंगे, अब तो पकड़े जाएंगे। डकेलिया सोवेरेन बेस साइप्रस आउटस्कर्ट्स ऑफ ज़ाइलोटम्बू मार्च 11, 1984। अच्छा ये ग्रीस है, साइप्रस। ये अस्पताल ग्रीस में है। अच्छा ये गाड़ी उल्टी है और हमारा वो साथी कहाँ है उसकी कोई खबर नहीं है। फिलहाल हम गाड़ी से निकले, शायद बच गए। ओ भाई ये तो फिर से आ गए। तो ये क्या बला है भाई। वो खुर से आ गया वो बच्चा यार, ये अचानक से आ जाता है और पता नहीं कहाँ से। लगता है इसको भी गिराएगा, हेलीकॉप्टर को भी। अब इसके साथ वो भी आएगा। नहीं तो आ गया। ओ भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या था। ये तो कुछ वेल जैसा था। और ये कौन है। ओ भाई ये आग वाला घोड़ा कहाँ से आ गया। ओ वो फिर से आ गया, इस बार घोड़े पर आ गया। अब तो बहुत मुश्किल है बचना। यहाँ अजान हो रही तो थोड़ा यहाँ पर डिले कर देते हैं। ओ भाई अब ये कौन है भाई। ये तो अब पीछे आ रहा है भाई अपने घोड़े पर। यहाँ पर इसने कोई गन हमें थमा दी है ताकि हम इसको रोक पाए, मगर इसको तो गोलियों से कुछ नहीं होगा भाई। चाहे कितनी भी गोलियाँ इसको मारो, इसको तो कुछ नहीं होने वाला। ये तो मैं देख चुका हूँ उसका ट्रेलर। तो तब तक रिलोड कर देते हैं। तो भाई ये तो आग फेंक रहा है, तो ज़रूर ही मारना पड़ेगा। अच्छा ये कह रहा है इसको अटैक में करने दो।
तो इसने तो आग लगा दी जंगल को। ओह ओह ओह, अरे भला है कौन यार। शॉर्टकट ले लिया यहाँ से। गोलियां भी खत्म हो सकता है, खत्म खत्म क्या हो गया। अच्छा बारिश हो गई, ये पुल भी अब टूट गया यार। पुल कैसे टूट गया, वो खत्म यार। क्या यार, एक मुसीबत जाती है दूसरी मुसीबत जाती है गेम में। अभी एक मुसीबत ही, अब एक और मुसीबत है। और ये ज़्यादा ड्रामा आवाज गई है यार। तो किसने इनको कहा कि अभी बारिश हो, वो हमारे पीछे हो क्या दिखाते हैं वो। अच्छा ये फिर भी जिंदा है। मुझे लगता है इस टाइम हम बच गए। हाँ कुछ आ रहा है स्क्रीन पे। और यहाँ रैंक भी मिल गई है, और एक घंटे से हम ये खेल रहे हैं। और अभी तो हम उधर ही है जहाँ पर। वही से लग रहा है। ओ भाई ये फिर से आ गया ये बच्चा यार, ये अचानक से आता है। अगर आदमी रात को ये गेम खेलेगा वो बेचारा मर जाएगा ऐसे इसमें यार। ओ भाई वो फिर से आ गया। अगर यहाँ पर बारिश हो रही है तो शायद यहाँ नहीं आ पाएगा। और यहाँ हमारा ये कोई दूसरा साथी आया है हमें बचाने। अब ये भी मुझे नहीं पता कि कौन है ये। मगर भाई गेम का सिनेमैटिक जो लुक है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और बहुत ही ज़बरदस्त फील है, और ऑडियो भी नेक्स्ट लेवल है इस गेम का। बिल्कुल रियल में लग रहा है मुझे कि बारिश हो रही है। अच्छा हमारा नाम बिग बॉस है। अच्छा पहला काम इसने दिया है उसको हमसे, हमको अस्पताल से निकालना, और दूसरा अपने आप को बचाना। कहिए वो तो नहीं जिसने हमें बचाया। अब एक कहानी बता रहा है कि 9 साल पहले जो है कि प्राइवेट आर्मी हुआ करती थी हमारी। अच्छा साइफर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसकी प्राइवेट आर्मी को ख़त्म किया है। अच्छा अब हमें अपनी प्राइवेट आर्मी को जो है वो फिर से बिल्ड करना है, और यही इस गेम का शायद जो होगा इसके बाद की स्टोरी होगी। First we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan. Oh, oh. तो अफगानिस्तान जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से।
What, can't keep up with world affairs in a coma? Four years ago, the Soviets invaded Afghanistan. Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. Red's 40th Army troops drink somewhere around 100,000. Squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now in three days they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days. It's off to a lot harder. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him two weeks. तो ये जो कहानी है ये 1984 में सेट की गई है और 1980s में जो है वो रशिया ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को और उसी के रिलेटेड इसका जो प्लाट है वो थोड़ा बहुत उससे मुतल्लिक है कि 1984 में जो है ये जो हमारा मिलर है जो हमारा 2 से 9 साल पहले का था ये इस टाइम अफगानिस्तान में था चाहिए कह रहा है अब हमें पाकिस्तान यहाँ निकलना है अफगानिस्तान और 7 दिनों के अंदर जो है पहुँचना पड़ेगा भाई मैं तो तैयार हूँ जाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त गेम है ये 2015 में इसको रिलीज़ किया था और अभी तक ये वन ऑफ द बेस्ट गेम है एक्शन गेम है अब है बदला चैप्टर 1 यह है भाई साइप्रस ग्रीस जहां से हम निकलेंगे अब और मेडिटेरियन सी के जरिए हम पहुंचेंगे दूसरी जगह पोर्ट सईद और वहां से जॉर्डन और इसराइल और फलस्तीन से होकर जो है वो स्वेज कैनाल गुजरती है स्वेज कैनाल से निकलेंगे हम रेड सी में जाएंगे और रेड सी से होते होते हम जाएंगे अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट के बीच में जो है वो रास्ता निकलता है गल्फ ऑफ एडन और देखिए यहाँ पर हमें सामान वामान दिया जा रहा है और नई बाजू हमें मिली है और वहाँ से हम पहुँचेंगे पोर्ट कासिम जो कि है पाकिस्तान कराची में और ये देखिए वहाँ से हम पहुँचेंगे अफगानिस्तान तो ये टाइम जा रहा है और यहाँ पर हमारा जो प्लेयर है वो तैयार हो गया है और पहुँच गए हैं हम अफगानिस्तान और ये देखिए हम हैं अफगानिस्तान में आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ग्राफिक्स है इस गेम का और किस तरह से अफगानिस्तान को जो है वो बनाने की कोशिश की गई है तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अफगानिस्तान